हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निहारिका। सो आज मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि एक तरीके से न्यूली लॉन्च है, मैंने रिसेंटली बाय किए थे, लेकिन सच में इतने अच्छे हैं कि मैं खुद शॉक्ड हूँ कि इतने अच्छे भी ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एंड आई एम श्योर जब आप ट्राई करोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो सच में सबसे ज़्यादा ऑसम है, ये है मार्स का ऑल राउंडर मेकअप किट पैलेट। जी हाँ, इस पैलेट में है आपके आई शेडोज, आपका ब्लश, आपका कॉन्टूर, आपका हाइलाइटर, मतलब सब कुछ एक ही पैलेट में, जो कि आई थिंक बहुत से लोगों का डिमांड रहता था हमेशा कि उन्हें एक अफोर्डेबल मेकअप किट पैलेट चाहिए जिसमें सब कुछ उन्हें मिल जाए। और मार्स ने निकाला है, ये दो वेरिएंट में आता है। मेरा जो वेरिएंट है ये है 02, और इसमें थोड़े ज़्यादा सटल कलर आपको दिख रहे हैं, मतलब जो शिमर पार्ट भी वो बहुत ज़्यादा यहाँ शिमर नहीं है, सटल ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो डिफरेंट ब्लश शेड भी मिल रहे हैं, एक थोड़ा मॉव है, एक थोड़ा पीची पिंक है। आपको कॉन्टूर या फिर मैं कहूँ ब्रॉन्जिंग शेड मिल रहा है क्योंकि थोड़ा सा शिमर है इसमें, और यहाँ पर ये आपको हाईलाइटर मिल रहा है। अगर पिगमेंटेशन की बात करूँ तो ठीक ठाक है, मतलब बहुत ऑसम नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है, मतलब आपको थोड़ा बिल्डअप करना पड़ेगा। जो ये आई शेडोज हैं खासकर मैट, ये थोड़े से पाउडरी है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं इनका पिगमेंटेशन। और यहाँ पे शिमर शेड ज़्यादा नहीं दिए, पर लाइक ये दो इस टाइप के हैं। नेक्स्ट जो मैंने बाय किया है वो है बेली के ब्रशेस। जी हाँ, आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इसके ब्रशेस को ट्राई करूँ। वेल, मैं भी ट्राई करना चाहती थी, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ा सा डिस्काउंट है, थोड़े से अंडर 2000 रुपीज़ का इसका दिखता है अमेज़ोन पे। तो ये जो ब्रशेस हैं ये कुछ इस टाइप के हैं, मैंने यूज़ भी किए हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरे पुराने ब्रश गंदे हो गए और मैं धोना नहीं चाहती हूँ। पर सीरियसली गाइस, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइक बहुत ज़्यादा। आप जब जब मैं इन्हें टच करती हूँ तो साफ पता चलता है ये इतने फेमस क्यों हैं। जो इनका हैंडल है ये वुडन है और ये बहुत ही स्टर्डी है, कोई भी हेयर बाहर नहीं आ रहा या ऐसे मोड़ा टोड़ा नहीं है, प्रॉपर एकदम परफेक्ट कट में ये ब्रशेस हैं। इसलिए जो है आपके नेचुरल सिंथेटिक हेयर मिक्स्ड है, और जब आप इनको देखते हो तो साफ फील आता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल ब्रश हैं। खासकर आई ब्रश अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी तो आप आई ब्रश ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपको इतने स्मॉल साइज़ के आई ब्रश इसमें मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने अभी पूरे सारे यूज़ करने भी स्टार्ट नहीं किए, मुझे इसी महीने रिसीव हुए थे। ये बहुत ही टाइनी सा है, आप देख सकते हैं बहुत टाइनी सा, ऐसा ब्रश बहुत ही डिटेलिंग जब आप आई मेकअप करते हो तो ये काम करता है, अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, या फिर अगर आपकी आईज बहुत छोटी है जैसे हमारी है तो फिर थोड़ा थोड़ा आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। इनमें एक्चुअली ब्रश नंबर या नेम है ही नहीं, मतलब तो होता ही नहीं है। तो और ये सीरियसली ओरिजिनल है, मुझे कहीं से भी फेक नहीं लग रहे हैं, ये ओरिजिनल मुझे रिसीव हुए, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है स्किन केयर, एंड सीरियसली मैं इससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ और पक्का मैं इसको अगेन बाय करूँगी अगर ये ख़त्म होता है। यह है कॉसआरएस का स्नेल म्यूकिन पावर एसेंस। वेल, फाइनली मैंने इसको बाय किया आफ्टर देखने बाद कि क्रुएल्टी फ्री है, और सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ड्राई स्किन हैं, आपको ड्राइनेस या फ्लेकी स्किन से प्रॉब्लम हो रही है, एक अजीब सा स्किन इरिटेट कर रही है ड्राइनेस की वजह से, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। बिलीव मी, पूरे विंटर मैंने इतना लेजीपना किया है, मैंने प्रॉपरली स्किन केयर किया है नहीं, मैंने बस एक टाइम स्किन केयर किया है, हर दिन बस एक ही टाइम ढंग से, और उसमें ये ज़रूर यूज़ किया है। इसकी हेल्प से क्या हो, जो आउटर स्किन है, स्पेशली जो आउटर स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और बाउंसी रहती है, मतलब सच में इफेक्ट पता चल रहा है कि स्किन इतनी सही लग रही है जबकि मैं इतना आलस कर रही हूँ। तो आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, ये काफ़ी थिक सा है, बस आराम से फेस वॉश करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि मॉइस्चराइज़र का काम नहीं करता, ये आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, हाइड्रेशन एक तरीके से अंदर से दे रहा है, बाहर से नहीं दे रहा है, इसलिए आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये आई क्रीम, ये है क्वेंच की मामासीका अंडर आई क्रीम। मैंने इसे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा अफोर्डेबल आई क्रीम कोई ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे पास जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। वैसे मैं आई क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ, ना ही यूज़ कर रही हूँ, जो नॉर्मल स्किन केयर है मैं वही ट्राई करती हूँ, तो अलग से मैं अपनी अंडर आई के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मतलब
कुछ भी नहीं, बस जो नॉर्मल डाइट है, स्लीपिंग है, कम स्ट्रेस है, इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ। लेकिन स्टिल अगर आपको अच्छी आई क्रीम चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये मेड इन कोरिया है, ये है आपका एक्चुअली काफ़ी इनोवेटिव तरीका है। इसमें जो रोलर है वो यहीं पे दिया हुआ है, आपने अलग से वो देखी होगी ना, एक पूरा रोलर बड़ा सा दिया होता है मॉम्स को और इन सब की आई क्रीम में। इसमें स्मॉल तीनों रोलर इसी पे दिए हुए हैं, तो जब आप इसको दबाते हो ट्यूब को तो क्रीम इसी पे आ जाती है और आपको बस ऐसे अप्लाई करना है। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, ये थोड़ा कम अनहाइजीनिक वाला भी है क्योंकि मैं करने के बाद आराम से टिश्यू से इसको क्लीन कर देती हूँ। और जो क्रीम भी वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को जो अंडर आई एरिया बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है, तो बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं फील होती। डार्क सर्कल्स के लिए क्या करता है, खैर डार्क सर्कल्स के लिए आपको 2 दिन या 2 महीने में नहीं पता चलेगा, आपको 4-5 महीने लगातार लगाएंगे तो जाके आपको फर्क पता चलेगा। लेकिन हाँ, जो हाइड्रेशन है, जो कि ड्राइनेस है, जो स्किन का टेक्सचर वाला प्रॉब्लम होने लगता है, वो चीज़ ज़रूर ये आराम से आपका दूर कर देगा। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये है एसेंस की लॉन्ग लास्टिंग आई पेंसिल। ये मैंने अमेजोन से ली है, वैसे ये नायका पे भी अवेलेबल है लेकिन मुझे ये शेड चाहिए था। ये है हॉट चॉकलेट और ये है आपकी 18R+ वाटर प्रूफ पेंसिल है, सुपर अफोर्डेबल है। ये जो शेड है ये कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं, एकदम डार्क ब्राउन। ऑब्वियस है कि जो डार्क ब्राउन आईलाइनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगते हैं लेकिन जल्दी ही आपको मिलते नहीं है, तो अगर आप बहुत अफोर्डेबल ले रहे हैं तो आप इसका ले सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सेट होता है, ड्राई होता है, एक तरीके से ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है। और येस, ये वाटर प्रूफ भी है जो कि आपको महंगे से महंगे आईलाइनर में नहीं मिलता है, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है और बहुत स्मूथ है, बहुत ईजिली ग्लाइड होता है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं शॉक हूँ कि वो तो इतने सस्ते में मुझे मिल रहा है। और मैं एक्चुअली इसके और कलर्स भी ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे मिल नहीं रहे, अगर मिलता है तो मैं पक्का और लूँगी। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये है इनसाइट की आईब्रो पेंसिल। मैंने आज इसे ही यूज़ किया है, ये इनकी न्यूली लॉन्च है और मेरे पास यहाँ जो शेड है वो है शेड ब्राउन, पर एक्चुअली ये ब्राउन नहीं है, ये आपका ब्लैक ब्राउन वाला शेड है, मतलब ब्लैकिश ब्राउन। तो मतलब मुझे एक्चुअली दिक्कत नहीं, ये मेरे जो नेचुरल हेयर कलर है उससे मैच कर रहा था, जो आईब्रो का कलर जो कि थोड़ी सी ब्लैकिश है पर प्योर ब्लैक नहीं है, तो ये उसी टाइप का है और बहुत ही अच्छी पेंसिल है। इधर आपका ये ब्रश दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और इधर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है। एंड ये पेंसिल सुपर पिगमेंटेड है, ये कहता है कि ये पेंसिल स्मज प्रूफ है, तो जल्दी आपकी स्मज नहीं होगी, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप देख सकते हैं इसका पिगमेंटेशन उतना ही है जितना कि इस आईलाइनर का, मतलब ये सुपर पिगमेंटेड है, इतनी ज़्यादा कि आप इससे आईलाइनर का भी काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, जो कि अच्छी चीज़ भी है। अगर आपको पिगमेंटेड पेंसिल चाहिए तो आप आराम से इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि आप फटाफट उससे कर लेंगे। लेकिन अगर आप आईब्रोज करने में बहुत अच्छे नहीं हैं जैसे कि मैं, तो आपके लिए खतरनाक प्रोडक्ट है क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो चीज़ है। लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ईजी पड़ा इसके साथ, मुझे ज़्यादा देर तक नहीं करना पड़ा, जल्दी हो गया जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और कलर भी बहुत ज़्यादा नेचुरल है, सीरियसली कलर का डाउट मत लीजिए, ये ब्राउन एकदम नेचुरल ब्लैकिश ब्राउन वाला शेड है। जो नेक्स्ट है वो है ये हाइलाइटिंग ब्रश। आप लोग अक्सर कहते हो कि आपको एक ब्रश का अच्छा रिकमेंडेशन चाहिए, जो मैं यूज़ करती हूँ वो वेट एंड वाइल्ड का है जो कि डिसकंटिन्यूड हो गया है, और दूसरा नेक्स का है जो कि बहुत महंगा है एंड ऑल्सो आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये जो ब्रश है हाइलाइटिंग ब्रश शुगर का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे अक्सर यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छे से आपके प्रोडक्ट को अप्लाई करता है, एकदम अच्छे से स्प्रेड करता है, एकदम वैसा स्ट्रीकी लाइन नहीं बनाता। और जो चीज़ नहीं होती कि प्रोडक्ट उठाने पे जब आप अप्लाई करते हो तो अचानक से प्रोडक्ट एकदम से गिरा देना या ऐसी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब इसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे से स्प्रेड करते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं, तो जो हाइलाइटर होता है वो एकदम से स्किन का पार्ट लगने लगता है। तो आई थिंक अगर आप बहुत अफोर्डेबल अगर एक हाईलाइटर ब्रश ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि ये सच में अच्छा है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है वेट एंड वाइल्ड का टिंटेड हाइड्रेटर और ये है शेड लाइट मीडियम। एक्चुअली इसके जो शेड है वो बहुत ज़्यादा लाइट है जो कि प्रॉब्लम है क्योंकि इतना लाइट स्किन कोई है नहीं,
तो मैंने इसलिए यहाँ पे लाइट मीडियम लिया, क्योंकि आई थिंक मीडियम भी है पर वो आउट ऑफ स्टॉक है, कुछ ऐसा था। पर जो ये लाइट मीडियम है ये मुझे सूट हो रहा है, थोड़ा सा लाइट कहूँगी मेरे स्किन टोन के लिए है, तो मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ दूसरा प्रोडक्ट के साथ, मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन काफ़ी अच्छा है, अगर आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं तो आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए। मिक्स एंड मैच कर सकते हैं आप अपने फाउंडेशन के साथ या किसी और प्रोडक्ट के साथ, तो आप ये देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है। आई नो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ये लाइट दिखता है, पर थोड़ा सा ये ऑक्सीडाइज भी होता है जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो एक तरीके से ऑक्सीडेशन हमेशा बुरा नहीं होता है इस केस में, और ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ड्यूई एंड हाइड्रेटिंग लग देता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। जब आप इसको अप्लाई करोगे आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी, एकदम लगेगा कि आपने कोई स्किन केयर किया है। प्लस जो ड्यूईनेस है वो बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल ड्यूई रेडियंट स्किन लगती है। तो मुझे पसंद सच में बहुत ज़्यादा है, पर आई होप इसके थोड़े से बेटर शेड आ जाए, क्योंकि जो शेड रेंज है वो सबके यूज़ का नहीं है। जो नेक्स्ट है वो एक्चुअली लिपस्टिक है जो मैंने रिसेंटली बाय की है, ये है कीरो की लश मॉइस्ट लिपस्टिक। ये एक्चुअली क्रीमी लिपस्टिक है, पर अगेन जो इनका फॉर्मूला है प्लस जो शेड रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, मजबूरी मुझे एक तो ट्राई करना ही पड़ा। प्राइस हाँ जरूर कहूँगी अफोर्डेबल नहीं है, एक्सपेंसिव है, आई होप ये थोड़ा सा अफोर्डेबल कर दें। तो मेरे पास यहाँ जो शेड है वो है लोटस ड्यू 01 एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुक। सो ये है वो शेड लोटस ड्यू, एंड आप देख के बता सकते हैं कि कितना प्यारा शेड है। एकदम हल्का सा पिंकिश न्यूड शेड है, पर थोड़ा सा ब्राउन टिंट भी लग रहा है। और आई थिंक अगर आप फेयर टू लाइट लाइट मीडियम स्किन टोन हो, इवन मीडियम स्किन टोन हो, आप पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अल्ट्रा क्रीमी नहीं है, मतलब तो ऐसा नहीं कि आप अप्लाई कर रहे हो तो एकदम ही ग्लाइड होती जा रही है। ये मैट क्रीमी टाइप की लिपस्टिक है और ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, लेकिन स्लो रेट में, ऐसा नहीं कि आपने कुछ खाया पिया तुरंत चली गई, धीमे 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 जाती है फेड फॉर्म में, पर फिर भी काफ़ी अच्छा है इसका फॉर्मूला, लॉन्ग लास्टिंग है जैसा कि क्रीमी लिपस्टिक का होता है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक्चुअली इनसाइट का HD कंसीलर, एंड सीरियसली माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर इनसाइट के पहले के कंसीलर की बात करूँ तो मुझे खास कोई पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर वर्क नहीं करते, ना ही मुझे उतना अच्छा कवरेज देते हो, कहीं ना कहीं पैच ही हो जाते हैं, पर ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट इसका कवरेज, ये जो HD कंसीलर है इसमें मेरा शेड अगेन मैं कहूँगी NY20 अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि ये डार्क सर्कल्स भी हाइड कर देता है, मतलब ग्रेनेस तक नहीं आती, मुझे कलर करेक्टर भी नहीं यूज़ करना पड़ता, और ये जो शेड है कहीं ना कहीं मेरी स्किन टोन में भी ब्लेंड हो जाता है। तो अगर मैं फुल मेकअप ना करूँ और मैं सटल लुक, एक नॉर्मल लुक कि मुझे बाहर जाना है पर डार्क सर्कल्स हाइड करने हैं, तो मैं इसी को ही अप्लाई करूँगी। जब आप फुल मेकअप करते हो तो आपको एक हाइलाइटिंग शेड की ज़रूरत पड़ती है, बस इतना है, पर ये शेड बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।